परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मंडी के बाहर सीमित रूप से प्राइवेट में कामकाज हुआ। मसूर की आवक बेहद कमजोर है, जबकि मिलों की छुटपुट मांग रहने से भाव मजबूत बोले गए। प्राइवेट कारोबार में मसूर 6650 रुपए प्रति क्विंटल तक बोली गई। शनिवार के मुकाबले मसूर में करीब 50 रुपए की मजबूती तो है, लेकिन अमावस्या के कारण कमजोर आवक को इसकी वजह माना जा रहा है। दूसरी ओर बीते सप्ताह चने में गिरावट वाला रहा। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक के बाजारों में चने के भाव नरम पड़े रहे। दरअसल लगन से राखा सीजन निकल चुका है, बेसन में मांग कमजोर है। आगे चने का भविष्य नाफेड की खरीदी बिक्री पर निर्णय करेगा। नाफेड के पास पुराना चना भी भरपूर है। सरकार महंगाई के खिलाफ लगातार कदम उठा रही है। चना अगर महंगा होता है तो उसके पीछे दलहन का पूरा बाजार चल देगा, लिहाजा आगे चने में तेजी नहीं दिख रही है। चना सीमित दायरे में ही कामकाज करता दिखेगा। मीडियम क्वालिटी की नई मूंग की आवक जोरदार होने से ऊंचे दामों पर ग्राहकी कम है, जिससे मूंग के बढ़ते दामों में पुनः रुकावट आई है। मूंग पुरानी मीडियम क्वालिटी की तो 5300 से 5350 तक बिक रही है। दरअसल सरकारी योजना में विद्यार्थियों को मूंग वितरण के कारण भी दामों में गिरावट आ रही है। गर्मी की नई मूंग बैच 6000 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक बोली गई है। उड़द में कामकाज सामान्य रहा, लेकिन उड़द मोगर में उपभोक्ता पूछ परख बेहद कमजोर रहने और मिलों के पास भरपूर स्टॉक होने के कारण उनकी मुनाफा वसूली की बिकवाली देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।